नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर एक यूट्यूबर है, उन्होंने टॉप 5 या टॉप 10 फ्लॉप कार्स ऑफ 2021 की वीडियो बनाया। उस पर मैं एक नाम देख रहा था तो बोलेरो नियो का भी था, और आई वॉज सरप्राइज्ड। फिर मैंने एक मेरे जानकार हैं आरटीओ में, तो आरटीओ जो हमारा लोकल आरटीओ है मध्य प्रदेश सीधी का, वहाँ पर तो मैंने उनसे पता किया कि ये कहते हैं अभी तक महिंद्रा बुलेरो नियो कितनी रजिस्टर्ड हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अगस्त से लेके अब नवंबर तक में जो गाड़ी रजिस्टर हुई है, लगभग लगभग 4,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं। 4,000 में यहाँ पर दो लोग, दो डीलर हैं महिंद्रा के जो गाड़ियाँ बेचते हैं। एक है स्टार ऑटोमोबाइल और एक है आपका भगवती मोटर्स। दो डीलर्स हैं जो गाड़ियाँ बेचते हैं। तो अगस्त से लेकर नवंबर तक में लगभग लगभग 4,000 गाड़ियाँ मेरे डिस्ट्रिक्ट में बिकी हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इंडिया में कितनी बिकी होंगी, अच्छे खासे नंबर्स में बिकी होंगी। अब थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ लगता है कि महिंद्रा जो अभी तक जो नंबर्स थे, महिंद्रा बोलेरो स्टैंडर्ड और महिंद्रा बोलेरो नियो के अलग अलग देता था, ऑफ सडन उसने आई थिंक फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ्स उसने क्या किया है कि नंबर दोनों का कॉमन करके देने लग गया, अलग अलग नंबर नहीं दे रहा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू महिंद्रा कि अगर जो क्या कहते हैं आप इन दोनों के नंबर्स, कार सोल्ड के जो नंबर्स हैं वो अलग अलग दोगे तो इट वुड गिव अ क्लियर पिक्चर टू योर ऑडियंस, और जो लोग हैं सबको क्या कहते हैं एक क्लैरिटी आ जाएगा कि हाँ भाई कितने नंबर्स में गाड़ी बिक रही है। जो लोग गाड़ी को, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि क्या कहते हैं आप गाड़ी को पसंद करो ना पसंद करो, इट्स योर चॉइस, तो उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि इसके लुक्स डब्बा गाड़ी है कि ये गाड़ी है कि वो गाड़ी। मैं बस उन सबसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक बार YouTube पे जाओ, ठीक, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब कंटेंट डालते हैं, सब अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं। आप एक बार इसके रिव्यूज़ देखो, जिनके, मैं कहता हूँ जिनके पास TUV भी थी ना, तो आप उनसे एक बार बात करिए, है ना, उनके व्यूज़ देखिए कि क्या कहते हैं भाई, रिव्यूज़ देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनको गाड़ी पसंद थी कि नहीं थी, तो किस बेस पे आप उस गाड़ी को इतना इतनी नफरत क्यों करते हो भाई इस गाड़ी से कि है ठीक है यार, नहीं पसंद नहीं पसंद, तो इतना वो थोड़ी ना करने की जरूरत है यार कि क्या कहते हैं ये है कि वो है। अच्छी खासी ताकत है गाड़ी में, है 100 BHP का इंजन है, ठीक। मैं इस गाड़ी को 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अब 12,000 पे मैंने इस गाड़ी के साथ जो जो कर सकते थे ना, गंदे से गंदे रास्तों पे लेके गया हूँ, ठीक। टॉप स्पीड आपने देख ही रखी है 160, इस गाड़ी के हिसाब से 160 स्पीड मेरे ख्याल से बहुत है। गाड़ी स्टेबल है, ठीक, 16 से 17 का माइलेज दे रही है। पिछले महीने, मतलब ये महीने और लास्ट महीने शादियों का मौसम था, तो हम रिश्तेदारी में भी गाड़ी लेके गए, वहाँ पर भी क्या कहते हैं लोग 9-9, 10-10 लोग एक गाड़ी में घुसे हैं, ठीक। गाड़ी ने अच्छी खासी क्या कहते हैं इंक्लाइंस में 10 लोग चढ़े हुए, उन पे क्या कहते हैं मना नहीं किया। हमारा घर बन रहा है तो सीमेंट की बोरियां लाद देते हैं, ठीक। अभी इसकी धान कटाई हुई थी तो ठीक, खरिहान से लेके मतलब जहाँ पर हम क्या कहते हैं वो काटने के बाद धान वगैरह रखते हैं, वहाँ से लेके सोसाइटी तक जहाँ पर हम बेचने जाते हैं, हम अपनी गाड़ी से लेके गए। किस एंगल से ख़राब है यार, हल्का सा माइनर सा एक एक्सीडेंट भी हुआ वहाँ पर, मेरे को क्या कहते हैं बॉडी की बिल्ड क्वालिटी भी पता चल, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी पता चल गई कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ठीक। स्पेयर पार्ट सस्ते हैं और क्या चाहिए आपको, मतलब भाई मैं लुक्स का कहता हूँ कि महिंद्रा ने थोड़ा सा और चेंजेस करने चाहिए थे, चाहे वो डायमेंशंस में करता चाहे वो डिज़ाइन में करता। उसने थोड़ा सा क्या किया कि क्या कहते हैं बस आई थिंक 10 का टॉर्क इंक्रीज किया है, 5 mm से हाइट कम की है, उसके अलावा और बाकी वैसे ही गाड़ी उसने क्या कहते हैं पैकेज करके लॉन्च कर दिया। तो
ठीक है, आपको नहीं पसंद तो कोई दिक्कत नहीं भाई, पर मेरे हिसाब से गाड़ी बहुत इस प्राइस सेगमेंट में तो यार बहुत अच्छी है। विदाउट एनी सेकेंड थॉट अपने मतलब ये सेगमेंट में भी काउंट नहीं होगी भाई मेरे ख्याल से तो। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से इसको ताकत है, जिस हिसाब से इसके स्टैंड है, जिस हिसाब से आप बैठते हो, जिस हिसाब से इसको ताकत है, रेयर व्हील ड्राइव है, चैसी बेस्ड गाड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहते हैं और इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी इतनी सारी चीज़ें ऑफर कर रही है। तो हाँ, तो मेन जो मैं बात आप लोगों को कह रहा था कि क्या कहते हैं गाड़ी ये फ्लॉप है कि हिट है, मेरे हिसाब से तो भाई हिट है। ठीक, आपको अगर जो पता करना हो, जिन भी लोगों को एक बार अपने आप RTO में जाओ और एक बार पता करो अगर जो आपकी जान पहचान है कि भाई हमारे RTO में ये गाड़ी कितनी रजिस्टर्ड हुई है। आपको अगर जो इसकी क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ एक बार हो सकता है कि शोरूम में आप डीलरशिप में क्या कहते हैं लोग हाइप बना के रखी होगी कि नहीं भाई गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, 3 महीने 4 महीने है ना, सेमीकंडक्टर्स की क्या कहते हैं शॉर्टेज है, चिप की शॉर्टेज है, इसमें तो इतनी ज़्यादा चिप नहीं डल रही है दोस्त, ये तो बेसिक बहुत महिंद्रा ने क्या किया है इस गाड़ी को सिर्फ बेसिक बेसिक बना के लॉन्च कर दिया है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भाई प्रोडक्शन ही नहीं है, नहीं आ पा रहा, इसमें तो ऐसा कोई नाटक ही नहीं है। ठीक, तो हिट है कि फ्लॉप है, आप एक बार पहले जाओ गाड़ी चलाओ यार, है ना, ऐसे बैठ के लोगों की सुन के कि क्या है क्या नहीं, आप एक बार जाके गाड़ी चलाओ। मेरे हिसाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको आप एक बार जाके गाड़ी चलाओ, उसको फील करो, गंदे रास्तों पे लेके जाओ, हाईवे पे लेके जाओ, ठीक, जो जो आप उस गाड़ी के साथ कर सकते हो ना वो सब आप करो, उसके बाद फिर आप अपना रिव्यू दो कि नहीं भाई मुझे नहीं पसंद आई, ठीक, तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ भाई चलाया उस बंदे ने। आप बिना चलाए बिना कुछ किए सिर्फ क्या कहते हैं दो चार यूट्यूब वीडियोस देख ले के TUV, हाँ भाई TUV है वो, सही बात है, उसने रीब्रांड किया अपने आप को कि मार्केट में दोबारा आने के लिए बोलेरो। मुझे मेरे ख्याल से महिंद्रा को भी क्या कहते हैं नाम बोलेरो यूज़ नहीं करना चाहिए था, कुछ और नाम रखते इसका, तो वो जस्टिफाइड भी होता है, ऐसा तो था नहीं कि आपको प्रोडक्ट ख़राब था, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मैं थोड़ा सा निराश इसलिए हूँ कि मुझे आप जब विदाउट क्या कहते हैं कोई चीज़ आप जानते भी नहीं हो उसके बारे में, सिर्फ आपने चीज़ें थोड़ी बहुत कहीं पे देखी होंगी सुनी होंगी, आपको उस चीज़ के लुक्स नहीं पसंद आए तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, तो मुझे क्योंकि मैं वो गाड़ी ओन करता हूँ मुझे बुरा लगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये वीडियो कल रात को ही डाल देता, पर मैंने वेट किया आज सुबह तक का कि पहले मैं एक बार नंबर्स कंफर्म कर लूं, क्योंकि मुझे तो भाई मेरे इलाके में मध्य प्रदेश सीधी में, मध्य प्रदेश सीधी में अच्छे खासे नंबर्स में ये रोड में दिखती हैं गाड़ियां। ठीक, तो मैंने फिर भी सोचा कि एक बार मैं कंफर्म करूं तो कि गाड़ी बिकी तो बिकी कितनी, क्योंकि मैंने डीलरशिप में बात करता हूं तो वो कह रहे हैं कि यार 2 से 2.5 महीने का वेटिंग पीरियड है, तो 2 से 2.5 महीने, और इस गाड़ी में मैंने पूछा कि क्या कहते हैं चिप शॉर्टेज वगैरह, तो सेमी कंडक्टर शॉर्टेज वगैरह इस गाड़ी का तो लेना देना मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डल नहीं रही हैं। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी हिट है, जो भी बंदा ये गाड़ी लेना चाहता है बेझिझक ले, आपको कहीं पर भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने इस गाड़ी पर 10 से 12 लाख रुपये खर्च किए, इट वर्थ एवरी सिंगल पेनी यू स्पेंड ऑन दिस कार। ठीक, बहुत 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 अच्छी गाड़ी है, हाईवे में बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ऑफ रोड में एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या कहते हैं कंपेयर टू द स्टैंडर्ड बोलेरो इसकी चादर हल्की सी कम है स्टैंडर्ड बोलेरो से, पर सेम इंजन ये स्टैंडर्ड बोलेरो का ही यूज़ करता है, M-Hawk 3 सिलेंडर, उसमें 75 है, इसमें 100 BHP है, इसमें टॉर्क वो साइजिंग 210 है, ये 260 है, सब कुछ इस गाड़ी का बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट जो है कि जो रेयर सीट है इस गाड़ी की, 6th और 7th सीट है, एक्सट्रीम कंफर्टेबल नहीं है पर फिर भी दूसरी गाड़ियों के जो 7 सीटर्स अपने आप को कहते हैं सो कॉल्ड 7 सीटर्स, तो वो उनसे तो लाख गुना बेटर है। यहाँ पर मैं इनफैक्ट मैंने ट्रैवल किया है 150-150 किलोमीटर हमारे यहाँ से, सीधी से हम लोग मैहर गए थे, लगभग कुछ नहीं तो
एक 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर जाना, 150 किलोमीटर आना। मैं पीछे वाली सीट पे बैठा था और आई वॉज अमेज, आई वॉज सरप्राइज कि वो गाड़ी जितना मैं सोचता था उससे कहीं गुना ज़्यादा वो प्लेस ठीक है। लास्ट के रोज़ तो गाड़ी बहुत अच्छी है। आप अपना डिसीजन लेने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डीलरशिप पे जाओ, रिक्वेस्ट देम कि आप हमें एक डेमो कार चलवाओ। और डेमो कार सिर्फ आप 2-4 किलोमीटर मत चलाओ, आप उसको ऑफ रोड भी लेके जाओ, आप उसको हाईवे पे भी लेके जाओ। उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई हमको ये गाड़ी लेने का है तो हमको आप चलाने दो टिल वी आर सेटिस्फाइड, और उसके बाद आप अपने जजमेंट लो कि आपको चाहिए गाड़ी कि नहीं चाहिए। ठीक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैंने भी TUV के बहुत सारे रिव्यूज देखे और मुझे एक ऐसा रिव्यू नहीं मिला है जहां पर क्या कहते हैं द कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड कि भाई गाड़ी गंदी है। एक एक आप देखो उस पर, और अगर जो आपको कोई ऐसा वीडियो मिलता है तो प्लीज लेट मी नो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे उसका लिंक छोड़िए, मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं नियो की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बोलेरो सॉरी महिंद्रा TUV की बात कर रहा हूँ। आप इसका कोई कस्टमर आपको डिससेटिस्फाइड दिखता है तो आप उसका भी क्या कहते हैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालो। और बिफोर परचेसिंग द रिपोर्ट आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू यू नो विजिट योर डीलरशिप, रिक्वेस्ट देम फॉर द डेमो, आप चलाओ और देन कम टू अ कंक्लूजन कि आपको चाहिए गाड़ी कि नहीं चाहिए, ये गाड़ी क्या है। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ, और फॉर मी दिस इज अ स्टार प्रोडक्ट। ठीक, बहुत, इट्स अ हिट प्रोडक्ट, अमेजिंग कार, अमेजिंग प्रोडक्ट, टोटली सेटिस्फाइड, हैप्पी कस्टमर। चलो बाय बाय।